हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए प्याज की टेस्टी एंड क्रंची पकौड़ों की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसको हम सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है तो प्लीज़ स्किप मत करना, पूरी देखना। सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 प्याज और 4 हरी मिर्च। आपको कितने लोगों के लिए बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप प्याज और मिर्च लेना। मैंने इनको फाइन चॉप छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। करने के बाद मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, जिसके अंदर मैंने एक छोटे बाउल में हाफ करके बेसन लिया है और मैंने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच सूजी डाला। सूजी मैंने इसलिए डाला है ताकि ये थोड़ी सी कुरकुरी बन जाए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर, और उसी चम्मच में 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच भर के किचन किंग मसाला। इसके अलावा भी आप कोई मसाला डालना चाहते हो आप डाल सकते हैं, जैसे कि चिकन मसाला का भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना कि आपको ज़्यादा खाना है या कम खाना है। उसके बाद ये सब मसाले डालने के बाद हमें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। हमें इसके बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे ही डालना। डालने के बाद मिक्स करते रहना और ऐसे ही करके हमें एक प्यारा सा इसका बैटर तैयार कर लेना है। जितना हम इसको मिक्स करेंगे उतना ही हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स हो पाएगा, क्योंकि यही मेन है। तो बस मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमें इसे, अगर आपके पास टाइम हो तो 2 से 4 मिनट ही सही, बट आप इसे साइड में रख देना ताकि मसाले मिक्स हो जाए। उसके बाद जो हमने प्याज और मिर्च को काटा था उसको इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बट मैंने इसमें एक एडिशनल चीज़ और डाली है, जिसको हम कहते हैं अजवाइन। अजवाइन जो होता है वो हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। अगर आप अजवाइन खाते हो तो आप थोड़ा सा इसके अंदर डाल देना, और डालने के बाद इन सभी को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, क्योंकि हम पकौड़ों को चम्मच से तो डाल नहीं सकते। तो पहले मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद इसको हाथ से हमें मिक्स करना है। आप ये ध्यान देना कि इसका जो बैटर है वो ऐसा ही थोड़ा मोटा हो, अदरवाइज़ ये बन नहीं पाएगा। उसके बाद हमने लिया है कढ़ाई, उसके अंदर हमने डाला है 4 से 5 बड़े चम्मच तेल। आप अपने अकॉर्डिंग तेल डालना। उसके बाद जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो उसके अंदर हमें एक एक करके छोटे छोटे पकौड़ियाँ उसके अंदर डाल देनी है। हमने सभी को डाल दिया, और डालने के बाद हमें इसको थोड़ा सा पहले नीचे से पकने देना है। जब ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे ना तो ये अपने आप सारे अलग हो जाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो बस हमें करने के बाद धीरे धीरे इनको पलट लेना है, और पलट करके हमें 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना देर पकाना चाहते हो। वैसे तो ये वैसे ही क्रंची एंड क्रिस्पी होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी का यूज़ किया है। तो जब तक हम इसको पका रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है, यानी आपको मेरी ये वीडियो देखनी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ यार 1 सेकंड का टाइम निकाल के मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि रोज़ आप सभी के लिए एक नई रेसिपी लेकर के आने में मुझे थोड़ी मेहनत लगती है, तो मुझे आप सभी के मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको 5 मिनट अच्छे तरीके से मीडियम से थोड़ा हाई फ्लेम रख करके पका लिया है। पकाने के बाद जो इसका एक्सेस ऑयल है हमें निकाल लेना है, और निकालने के बाद आप थोड़ी देर इसको ऐसे रखोगे तो इसका ऑयल निकल जाएगा। और निकालने के बाद अगर आपके पास घर पे कोई सी भी चटनी पड़ी हो, जैसे कि धनिया पत्ते की चटनी, तो आप उसके साथ खा सकते हो, और अदरवाइज आपको मेरी तरह टोमेटो केचप खाना पसंद है तो आप उसके साथ भी खा सकते हो। चलिए मैं तो चलिए अपने पकौड़ों को इन्जॉय करने। आप भी बनाओ और खाओ, और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। चलिए जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय, सी यू।